News 18, India. और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी के स्टाफ को सौंपा गया है नोटिस। ये जानकारी निकल कर आ रही है, आतिशी के स्टाफ को दिल्ली पुलिस ने नोटिस दे दिया है। पहले उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारी प्राथमिकता है कि आतिशी को ही नोटिस सौंपेंगे, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि आतिशी के स्टाफ को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नोटिस थमा दिया है। लगातार क्राइम ब्रांच की टीम आतिशी के सरकारी आवास में उनका इंतजार कर रही थी। 9:55 पर क्राइम ब्रांच की टीम जो है आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंची, लेकिन आतिशी वहां पर मौजूद नहीं थी। आतिशी की तरफ से अपने आवास के तमाम अधिकारियों को बोल दिया गया था कि अगर नोटिस देने को आएगा तो आप नोटिस रिसीव करें। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम 9:55 से लगातार इंतजार कर रही थी कि आतिशी यहां पर आएंगी, क्योंकि प्राथमिकता यही थी कि आतिशी को ही वो नोटिस सौंपेंगे। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि आतिशी के घर से क्राइम ब्रांच की टीम निकल चुकी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आतिशी के स्टाफ को ये नोटिस थमा दिया है। कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल भी 5 घंटे तक आए नहीं, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, उसके बाद अरविंद केजरीवाल के स्टाफ ने ही रिसीव किया नोटिस। आज भी वही तस्वीर देखने को मिली जब आतिशी को नोटिस थमाने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम 9:55 पर उनके सरकारी आवास पहुंची थी। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अब जो एसीपी और तमाम जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं वो अब वहां से निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि उन्होंने स्टाफ को नोटिस थमा दिया। आनंद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? स्टाफ बाहर आ चुका है, नोटिस दे दिया गया है? देखिए मोनिका, 3 घंटे के बाद आखिरकार जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम है अब आतिशी के घर से निकल चुकी है, जो उनका सरकारी आवास है मथुरा रोड का। और जो नोटिस है वो आतिशी के स्टाफ को जो एसीपी पंकज अरोड़ा हैं उनकी टीम ने सौंप दिया है। और अब 5 फरवरी तक अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को ही इस नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि उसमें जो तारीख है उसको बाकायदा मेंशन किया गया था। और उसमें ये कहा गया, अरविंद केजरीवाल को भी जो नोटिस दिया गया था कि आपने जो आरोप लगाए वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आप उसका जवाब दें, आपके पास क्या साक्ष्य क्या सबूत हैं। यही नोटिस जो है हूबहू वो आतिशी को दिया गया है और उनसे पूछा गया है कि जो आरोप आपने लगाए हैं उसके खिलाफ क्या सबूत और साक्ष्य आपके पास है, वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। संज्ञेय अपराध मेंशन करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है मोनिका, इसका मतलब ये कि ये कांग्रीजेशन ऑफेंस है और इसमें मुकदमा बनता है। अगर आपने जो आरोप लगाए हैं वो बकायदा उसमें आपराधिक केस दर्ज हो सकता है, तो आप उसके सबूत दें। अब देखना होगा कि 5 फरवरी तक अरविंद केजरीवाल और आतिशी क्या इस नोटिस का जवाब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बार फिर से जो नोटिस है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और जो उनकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्हें वापस एक बार फिर से जो है वो नोटिस सौंपा जाएगा। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार 3 घंटे तक इंतजार किया गया है क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से, क्योंकि उनकी प्राथमिकता यही थी कि आतिशी यहाँ पर आएंगे, लेकिन आतिशी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हैं। अब आगे की रणनीति क्या रह सकती है? अधिकारी जिन्होंने नोटिस रिसीव किया है कौन वो अधिकारी है? क्या ओएसडी को ही सौंपा गया है ये नोटिस? देखिए, आतिशी के स्टाफ को नोटिस सौंप दिया गया है और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आतिशी के स्टाफ को नोटिस दे दिया गया है, उनसे रिसीविंग ले ली गई है। और अब 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को ही इस नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि क्राइम ब्रांच ने नोटिस के साथ जो क्वेश्चनार दिया है, जो जानकारी मिल रही है उसमें बाकायदा पूछा गया है कि आपने जो 7 विधायकों का नाम बताया है कि 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, उन 7 विधायकों के नाम बताइए। आपने कहा है कि आपके पास एक ऑडियो क्लिप है, वक्त आने पर उससे ऑडियो क्लिप को हम दिखाएंगे, वो ऑडियो क्लिप आप हमें दीजिए ताकि हम इस जाँच को आगे बढ़ाएं। क्योंकि बीजेपी ने जो शिकायत दी है उस शिकायत में जिस तरह से कहा गया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके, आतिशी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो एक संवेदनशील मामला हो जाता है। और ऐसे में अब क्राइम ब्रांच की ये प्राथमिका है कि इस पूरे मामले में वो पूरी जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से करे, और इसलिए वो आम आदमी पार्टी से जांच में सहयोग चाहती है। और इसीलिए कल भी 5 घंटे तक जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है लगातार मौजूद थी। और आज भी 3 घंटे के बाद सबसे बड़ी बात यही है कि 3 दिन का महज वक्त है अब आतिशी और अरविंद केजरीवाल के पास, उन्हें जवाब देना होगा। मैं लौटूंगी आनंद आपके पास, लेकिन देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 9:55 पर पुलिस जो है वो आतिशी के घर पर पहुंची थी, जो सबसे पहले तस्वीर आपको न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई थी, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 3 घंटे बाद नोटिस दिया गया है, वो भी आतिशी को नहीं सौंपा गया, उनके स्टाफ को जो है सौंपा गया है। लेकिन इससे पहले देखिए, आपको याद होगा हमने बताया भी था कि अरविंद केजरीवाल के घर पर जो है आतिशी मौजूद थी। लगातार आनंद मेरे सहयोगी बने हुए हैं,
आनंद एक जिम्मेदार नेता होने के नाते आतिशी की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हर कोई जानता है, सबने देखा कि आतिशी जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद थी। तो ऐसे में अगर क्राइम ब्रांच की टीम लगातार ये कह रही थी कि हम आतिशी को ही जो है नोटिस सौंपेंगे, तो क्या ऐसे में उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो वहां पर पहुंचे और अपना नोटिस जो है वो रिसीव करें? देखिए, कल जिस तरह से घटनाक्रम रहा मोनिका, उससे ये बात साफ तौर पर जाहिर थी कि आतिशी नोटिस खुद जो है वो रिसीव नहीं करेंगी। और जब सुबह 9:58 पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हुए हैं सरकारी आवास पर पहुंची, तब थोड़ी देर बाद ही आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी सामने आती है कि आतिशी ने कहा है कि उनका स्टाफ जो है वो इस नोटिस को रिसीव करेगा, वो खुद इस नोटिस को रिसीव नहीं करेंगी। उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहां से कुछ मीटर की दूरी पर खड़े हो जाती है और वो इंतजार करती है कि आतिशी अगर यहां पर पहुंचती हैं तो उन्हें नोटिस दिया जाए। लेकिन फिर दिल्ली पुलिस को जानकारी मिलती है कि आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं, जहां पर एक बैठक चल रही है। इसके बाद किराड़ी में उन्हें एक कार्यक्रम में जाना है और उसके बाद 3 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जिसके बाद यहां पर एक बार फिर से क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है और उसके बाद अंदर जो स्टाफ होता है यहां पर जो मिनिस्टर का, उन्हें वो नोटिस दिया जाता है और उसकी रिसीविंग ली जाती है। और अब 5 फरवरी यानी कि कल के दिन अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को इस नोटिस का जवाब देना है। देखना होगा कि कल के दिन अगर ये नोटिस का जवाब क्राइम ब्रांच को नहीं मिलता है तो सूत्र बता रहे कि क्राइम ब्रांच एक बार फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी को जो है वो नोटिस सौंपेगी। बिल्कुल, देखिए आनंद, लगातार हम ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा है क्या, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल खड़े किए गए थे कि उनके विधायकों को खरीदा जा रहा है, उसी के आधार पर जो है क्राइम ब्रांच आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन कार्रवाई में यहाँ पर सहयोग जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं किया जा रहा है। कल अरविंद केजरीवाल के घर पर भी 5 घंटे का इंतजार करना पड़ा, आज आतिशी के घर पर भी 3 घंटे का इंतजार करना पड़ा। आनंद, अभी जो ये घटनाक्रम नजर आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी का रवैया इस पूरे मामले में नजर आ रहा है, उससे क्या समझे? आम आदमी पार्टी पहले से ही मन बना चुकी है कि आरोप लगा देंगे और जब जवाब मांगा जाएगा हम जवाब नहीं देंगे। देखिए, एक जानकारी और निकल के सामने आ रही मोनिका, नहीं अभी अभी जानकारी मिली कि जो दीपक दहिया हैं, जो OSD हैं आतिशी के, उन्हें ये नोटिस सौंपा गया है और इस वक्त जो OSD हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। यानी कि जो दीपक दहिया है, जो आतिशी के OSD हैं, वो इस घर के अंदर मौजूद हैं और उन्हें ही क्राइम ब्रांच ने नोटिस जो है वो सुपुर्द किया है, उनसे रिसीविंग ली है। और अब देखना होगा कि 5 फरवरी यानी कल के दिन आतिशी इस नोटिस का जवाब दे पाती हैं या नहीं दे पाती हैं। अगर वो नहीं दे पाती है तो उन्हें इस सूरत में क्राइम ब्रांच एक बार फिर से जो है वो नोटिस जारी कर सकती है और यही सूरत हाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ भी रहेगा। अगर कल अरविंद केजरीवाल इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें भी एक बार फिर से जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच नोटिस जारी कर सकती है। बिल्कुल आनंद, और सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए क्राइम ब्रांच की तरफ से नोटिस तो जारी किया जा चुका है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक तरफ हैं जिन्हें ED का भी समन्स 5 बार जारी किया जा चुका है, नोटिस उन्होंने दूसरी बार रिसीव किया, हालांकि उन्होंने नहीं उनके स्टाफ ने किया। लेकिन आनंद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, आनंद अब अरविंद केजरीवाल और आतिशी क्या अंदर खाने जानकारी, क्या कानूनी सलाह लेनी जो है वो शुरू कर दी गई है कि आखिर किस तरीके से इस नोटिस का जवाब दिया जाएगा, क्या कुछ कहना है? देखिए अनुपमा, 3 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है इसी मुद्दे पे कि किस तरह से क्राइम ब्रांच जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है 2 दफा और आतिशी के घर पहुंचती है 2 दफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में वो जांच करेंगे, क्योंकि BJP ने उन्हें शिकायत दी है। बेहद ही संवेदनशील और गंभीर मामला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार की एक मंत्री जो है बड़े आरोप लगाती हैं और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। जो नोटिस अनुपमा भेजा गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आतिशी को, उसमें बकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि आपने जो आरोप लगाए हैं वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं, इसलिए आप उसके सबूत, उसके साक्ष्य हमें दें। ये बात अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि संज्ञेय अपराध यानी कि इसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो आप जांच में सहयोग करें और बताएं कि आखिर वो 7 विधायक कौन है जिन्हें खरीदने की कोशिश की गई, कौन लोग थे BJP की जिन्होंने खरीदने के लिए पैसे की डिमांड की या पैसे ऑफर करे, और वो कौन सी ऑडियो क्लिप है जो आपके पास है जिससे आप सही समय पे मीडिया और जनता के सामने रखना चाहेंगे। वो तमाम चीजें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब मांगना चाहती है ताकि इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाया जाए।
बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल है आनंद जिनके जवाब अब आम आदमी पार्टी को देने हैं, क्योंकि देखिए नोटिस दोनों को ही दे दिया गया है। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशी के स्टाफ को दिल्ली पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। जानकारी मिल पा रही है कि आतिशी के ओएसडी उन्होंने ये रिसीव किया है। अब जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम जो है आतिशी के सरकारी आवास से बाहर निकल चुकी है। 3 घंटे का इंतजार किया गया, आतिशी के आने का इंतजार किया गया, लेकिन जब आतिशी नहीं आई तो उसके बाद ओएसडी को अब जो है ये नोटिस थमा दिया गया है। कल अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों को ही इसका जवाब देना है। आनंद, जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी दोनों की तरफ से ही उन्हें पता था कि उन्हें नोटिस देने के लिए यहाँ पर तमाम जो दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो एसीपी हैं और तमाम अधिकारी वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से रिसीव नहीं किया गया, ये रवैया कहीं ना कहीं पहले समझ आ रहा है आम आदमी पार्टी का कि वो जवाब तो देना नहीं चाहते, सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं। अब आगे की रणनीति उनकी क्या रह सकती है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। देखिए मोनिका, कल हमने देखा कि किस तरह से जब एक एसीपी रैंक के अधिकारी जो गस्टेड नहीं है मीडिया से बात करने के लिए या किसी पब्लिक सर्वेंट से कैमरे के सामने, उनसे आम आदमी पार्टी का एक नेता लगातार बहस करते हुए नजर आ रहे थे। वो कैमरे में तमाम चीजें रिकॉर्ड हुई, वो लगातार पूछ रहे थे कि नोटिस क्या है। तब जो एसीपी उन्होंने कहा कि वो सर यानी कि मुख्यमंत्री को ये नोटिस देंगे, लेकिन लगातार कैमरों के सामने आपने देखा कि तीखी नोकझोंक होती रही। जबकि जो एसीपी रैंक के अफसर होते हैं वो मीडिया या प्रेस से बात करने के लिए अधिकृत नहीं होते हैं दिल्ली में, इसलिए उन्होंने वहां पर चुप्पी साध रखी और वो लगातार 5 घंटे तक वहां पर इंतजार करते रहे कि अरविंद केजरीवाल ये नोटिस को रिसीव कर ले। लेकिन जब 5 घंटे के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने नोटिस रिसीव नहीं करा, तब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपने सीनियर अधिकारियों को ये बात बताई और उसके बाद उन अधिकारियों ने कहा जो मौके पे मौजूद अधिकारी थे कि अब उनके स्टाफ को ये रिसीविंग कराओ और उसके बाद अब 5 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को इस नोटिस का जवाब देना है। यही सूरत हाल यहाँ पे था। 3 घंटे तक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची। बिल्कुल, एक बार सुबह देखने वाली बात होगी।